Dear students, today in this class of system analysis and design, we were discussing in previous lecture, that is contingency plan, and now we were study about how to make a contingency plan. एक कंटीजेंसी प्लान कैसे हम तैयार करेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में हम आज जानेंगे. कल हमने कंटीजेंसी प्लान ही पढ़ रहे थे, कल भी हम उसमें जाना था कि कंटीजेंसी प्लान क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटीजेंसी प्लान कितना इम्पोर्टेंट है. आइए अब देखते हैं, कंटीजेंसी प्लान जब हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तब कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं उनके बारे में. तो एन इफेक्टिव बिजनेस कंटीजेंसी प्लान इज बेस्ड ऑन गुड रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, इनका कहने का मतलब है, अगर आप प्रभावशाली बिजनेस कंटीजेंसी प्लान बनाना चाह रहे हैं, इफेक्टिव बिजनेस प्लान कंटीजेंसी प्लान बना रहे हैं, तो वो डिपेंड होता है या बेस्ड होता है किस पर? गुड रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि अच्छे से आप किस रिसर्च कर सकें, और ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दूसरों का दिमाग को पढ़ना या दूसरों की सोच के बारे में सोचकर कोई भी प्लान तैयार करना. हेयर आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो इन ए कंटीजेंसी प्लानिंग प्रोसेस. यहाँ कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने होंगे जब आप कंटीजेंसी प्लान प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो है लिस्ट डाउन द की रिस्क्स, यानी कि जो की मतलब इम्पॉर्टेंट जो रिस्क हैं जो आपकी बिजनेस को घाटा पहुंचा सकते हैं या बिजनेस का नुकसान कर सकते हैं, उनको हम क्या करें, लिस्ट डाउन करें, यानी कि एक उनकी लिस्ट मेंटेन करें. ओके, आइडेंटिफाइंग द मेजर इवेंट्स दैट कुड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ बिजनेस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कुछ मेजर इवेंट्स जो कि आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्प्रेशन डाल सकते हैं. ऐसे कुछ बिजनेस इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद द की रिसोर्सेज, और ऐसे कुछ की रिसोर्सेज को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं. सच एज एम्प्लॉयज़, जैसे कि एम्प्लॉय हैं, मशीन्स हैं, आईटी सिस्टम्स हैं, एटसेट्रा, यानी कि जो ऐसे सिस्टम या ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे इवेंट्स जो आपके बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया करते हैं इस स्टेप में हम. और फिर यूज़ ए माइंड मैप टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन यू गैदर, और जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसे यूज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज और इंफॉर्मेशन जो उसके लिए माइंड मैप का यूज करते हैं, और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को हम अटेम्प्ट करते हैं स्टाफ के साथ. ठीक है, जिससे कि जो भी रिस्क हमारा किसी भी बिजनेस में आने वाला है उसे हम फॉलो अप कर सकें और उसके लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर सकें. ठीक है, अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं. सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, जो स्किल्स रिस्क थे उन्हें हमने लिस्ट डाउन किया था, और सेकेंड स्टेप में अब हम बात करेंगे प्रायोरिटाइज द रिस्क बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव के अनुसार, यानी इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग रिस्क को वरीयता देना कि कौन सा रिस्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा रिस्क हमें घाटा पहुंचा सकता है, इस तरीके से हम उसे क्रिएट करें, सॉरी प्रायोरिटाइज करें. वंस यू हैव क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल रिस्क, जब आप जितनी भी पॉसिबल रिस्क हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, दैट कुड अकर इन डिफरेंट एरिया ऑफ योर बिजनेस, तब आप क्या करेंगे, जो भी रिस्क हैं वो क्या करेंगे, बिजनेस के डिफरेंट एरिया से उन्हें आप
रिस्क को लेंगे, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग, और ये प्रायोरिटी वरीयता क्रम उनका स्टार्ट करेंगे कि किस आधार पर हम इन्हें रिस्क को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा रिस्क हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, द रिस्क इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी चार्ट इज़ ए हैंडी टूल यू कैन यूज़ हियर। एक रिस्क प्रोबेबिलिटी चार्ट होता है जो ये शो करता है कि कौन सा रिस्क हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा, तो उस रिस्क को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे और उसी के आधार पर उस इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हम बिजनेस प्लान, जिसे हम कंटीजेंसी प्लान कहते हैं, वो तैयार करेंगे। तो पहला स्टेप था कि पहले तो हम रिस्क जो हैं उन्हें लिस्ट डाउन करेंगे और उसके बाद रिस्क, जो भी रिस्क हैं उनकी प्रायोरिटी करेंगे, यानी कि कौन सा रिस्क ज़्यादा अनबेनिफिशियल हो सकता है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रिएट कंटीजेंसी प्लान फॉर ईच इवेंट, यानी कि जो भी इवेंट हमने हम अभी तक लिस्ट किया है या इवेंट जो हमारे बिजनेस में अकर हो रहा है नेगेटिव इवेंट, उसे क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग कंटीजेंसी प्लान हम तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कई सारे हमारे डिजास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, कई सारे नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं और हम एक ही कंटीजेंसी प्लान से उन सारे डिजास्टर्स को या बिजनेस नेगेटिव इवेंट्स को सॉल्व कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जितने भी इवेंट्स हमारे बिजनेस में होंगे उनके लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार करेंगे। इन दिस स्टेप यू विल स्टार्ट सेपरेट प्लान दैट आउटलाइन द एक्शन यू नीड टू टेक इन केस ऑफ द रिस्क, यानी कि जैसा रिस्क होगा उसी के अकॉर्डिंग कंटीजेंसी प्लान को क्रिएट किया जाएगा, यानी कि सेपरेट रिस्क के लिए सेपरेट कंटीजेंसी प्लान तैयार करेंगे इस स्टेप में हम। देन कंसीडर व्हाट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशंस आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट, और ये भी कंसीडर करेंगे कि इम्पैक्ट के बाद नॉर्मल ऑपरेशन कैसे फॉलोअप हों, मतलब फ्लो में कैसे आए बिजनेस, तो ये भी हम कंटीजेंसी प्लान में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, हियर यूल नीड टू क्लेरिफाई एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइमलाइंस दैट हाईलाइट व्हेन थिंग्स शुड बी डन एंड कंप्लीटेड आफ्टर द इवेंट, और यहाँ हम क्या करेंगे, ये क्लेरिफाई करेंगे कि जो भी एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है उस प्लान के लिए या किसी काम के लिए, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी उसे टास्क दिया गया था, जो भी इवेंट दिया गया था, वो कंप्लीट करता है या नहीं करता है। एंड रीस्टोरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, और जो डेटा रीस्टोरिंग है वो कम्प्लीट हुआ है नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा अटेम्प्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे कंटीजेंसी प्लान के अकॉर्डिंग। द स्टेप्स यू नीड टू हैव टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट लॉसेस व्हेन द इवेंट हैज़ टेकन प्लेस, और जो आपका स्टेप होगा वो इसके रिगार्डिंग होगा कि जो भी आपके लॉसेस हुए हैं या जो भी लॉसेस होने वाले हैं बिजनेस में, उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए, यानी कि उनका बचाव कैसे किया जाए। ठीक है, यू कैन यूज़ ए विजुअल फॉर्मेट हेयर टू हाईलाइट द कोर्सेज ऑफ एक्शन, आप एक विजुअल फॉर्मेट भी हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर रिस्क के लिए कौन सा कंटीजेंसी प्लान फॉलो करना है, एंड इट वुड बी ईजियर फॉर एवरीवन टू कंप्रहेंड, यानी कि लोगों को समझने के लिए, जो भी एम्प्लॉय आपके बिजनेस में उन्हें समझने के लिए एक जो विजुअल फॉर्मेट है वो ज़्यादा ईजियर रहेगा। अब हम लास्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, वो है शेयर एंड मेंटेन द प्लान, यानी कि थर्ड स्टेप में हमने कंटीजेंसी प्लान को क्रिएट किया था, अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, प्लान को शेयर करना और प्लान को मेंटेन कैसे किया जाए। वंस यू हैव कंप्लीटेड द कंटीजेंसी प्लान, जब एक बार आप कंटीजेंसी प्लान को कंप्लीट कर लेते हैं, मेक श्योर दैट दे आर क्विकली एक्सेसिबल टू ऑल एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर, तब आप ये चेक करें कि जो भी प्लान आपने प्रिपेयर किया है, क्रिएट किया है या डेवलप किया है, वो जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके बिजनेस के उनके लिए एक्सेसिबल है या नहीं है, ये श्योर करें, और रिव्यू योर कंटीजेंसी प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि
एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप कंटीजेंसी प्लान को रिव्यू करते रहें एंड अपडेट देम एज नीडेड, और जब आवश्यकता हो उस प्लान को अपडेट भी करें, ठीक है। एंड इट इज़ ए बेस्ट प्रैक्टिस टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयज ऑफ द चेंजेस एज वेल एज इट मे इंक्लूड अपडेट टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर मान लीजिए आप अपने कंटीजेंसी प्लान या जो भी आपने इंडिकेशन दिए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उन्हें जब आप टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे तो ये जो आपके एम्प्लॉय हैं उनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो भी चेंज होंगे इसके प्लान में वो आप इजीली उन्हें समझा सकते हैं, और जो भी एम्प्लॉय हैं उन्हें आप उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस प्लान के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का, और इसके बाद कल के वीडियो लेक्चर में आप रिवीजन देखेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा उसमें चार ये स्टेप्स याद रखिएगा, ठीक है। लिस्ट डाउन द की रिस्क, सेकंड इज प्रायोरिटाइज द रिस्क बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट, एंड थर्ड इज क्रिएट कंटीजेंसी प्लान फॉर ईच इवेंट, एंड फोर्थ इज शेयर एंड मेंटेन प्लान। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में ये टॉपिक अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।